पूर्ण बहुमत के रथ पर सवार होकर 4 साल से सरकार चला रहे प्रधानमंत्री मोदी की आज पहली परीक्षा है। आज लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पिछले हफ्ते वाईएसआर कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऐलान के बाद टीडीपी ने भी एनडीए से नाता तोड़ दिया था। लोकसभा स्पीकर तभी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी जब कम से कम 50 सांसद इसका समर्थन करेंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र से पहले अपने 2 मंत्रियों को हटाने वाली टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद है, वही वाईएसआर के 9 सांसद है। दोनों के सांसदों को मिला दे तो आंकड़ा 25 हो जाता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के लिए दोनों पार्टियों को 25 और सांसदों की जरूरत होगी। कांग्रेस के लोकसभा में 48 सांसद है। इस तरह सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी 50 सांसदों का आंकड़ा आराम से जुट रहा है।